हेलो एवरीवन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे सो so, जैसा कि आप जानते हैं कि डेली हम आपके साथ जुड़ते हैं और डिस्कशन कर रहे होते हैं आपके साथ सीएचएसएल की सभी प्रीवियस ईयर शिफ्ट का बेटा जो आज की शिफ्ट रहने वाली है वो है आपकी नाइंथ ऑफ ऑगस्ट की सेकेंड शिफ्ट कल हमने आपके साथ 9 अगस्त की पहली शिफ्ट का डिस्कशन किया था और आज हम आपके साथ नाइन्थ ऑफ तो अगस्त की सेकेंड शिफ्ट का डिस्कशन करने जा रहे हैं ठीक है आइए फटाफट से देखते हैं पहला सवाल बेटा क्या है पहला सवाल जो आपके सामने लिखा है ये सवाल है मिसिंग नंबर सीरीज का आइए इसको बनाते हैं बेटा दो में तीन जोड़ो पाँच होता है पाँच में पाँच जोड़ो दस होता है दस में सात जोड़ो सत्रह होता है सत्रह में नौ जोड़ो छब्बीस होता है ठीक है छब्बीस में कितना जोड़ोगे बेटा ग्यारह जोड़ो, जोड़ो सैंतीस हो गया सैंतीस में तेरह जोड़ो पचास हो गया और पचास में बेटा पंद्रह जोड़ दो तो कितना होगा सिक्सटी फाइव होगा मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मतलब आपको सिंपल तीन पाँच सात नौ ग्यारह तेरह पंद्रह जोड़ना था और आपको आपका करेक्ट आंसर सिक्सटी फाइव देखने को मिल गया ठीक है चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर दो की तरफ इस क्वेश्चन में बेटा आपको बतानी है मिरर इमेज मतलब दी गई आप दी गई आपके जो नंबर हैं नंबर और लेटर का मिक्सचर या लेटर क्लस्टर तो उसमें आपको मिरर इमेज बतानी है ध्यान दो बेटा ये जो बी लिखा है इस बी की मिरर इमेज ऐसी बनेगी ठीक है और ये बी यहाँ देखने को ऐसा नहीं मिला ठीक है इसी तरह से अगर हम बात करें फाइव की तो बेटा फाइव की मिरर इमेज आपको इस प्रकार मिलती है देखने को यहाँ फाइव उल्टा मिल रहा है ये भी गलत हो गया ठीक है आर की मिरर इमेज की बात करें बेटा आर ऐसा दिखेगा यहाँ पे अगर आप ध्यान दो आर तो आर सीधा दिख रहा है यहाँ पे भी सीधा है ये भी कैंसिल द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वॉट ऑप्शन नंबर बी ठीक है आई होप ये दोनों सवाल क्लियर होंगे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई होगी ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर तीन ऐसा सवाल बहुत आपके पेपर में आ रहा है चौतीस रिलेट कर रहा है बेटा पंद्रह से ठीक है चौवालीस रिलेट कर रहा है बेटा बीस से आपको बताना है बावन किस से रिलेट करेगा ठीक है तो देखिए पंद्रह गुड़े दो करिए तीस होता है तीस में चार जोड़िए चौंतीस होता है बीस गुड़े दो करिए बेटा चालीस होता है चालीस में चार जोड़िए चौवालीस होता है अगर मैं एक्स मान लूँ तो x इन टू टू करिए और प्लस फोर करिए तो आपको 52 मिल जाएगा तो 2x एक्स इज इक्वल टू फिफ्टी टू माइनस चार मतलब 2x एक्स इज इक्वल टू फोर्टी तो x इज इक्वल टू बेटा 24 ठीक है इसका मतलब अगर हम यहाँ चौबीस करें तो चौबीस गुड़े दो करें कितना आएगा 48 और प्लस चार करें तो कितना आएगा फिफ्टी टू इसका मतलब है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज ट्वेंटी फोर आएगा क्लियर है कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं आई होगी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर चार अगेन आसान सवाल प्लस और माइनस को इंटरचेंज मल्टीप्लाई और डिवाइड को इंटरचेंज ठीक है आइए बनाते हैं फाइव इंटू एट माइनस फोर डिवाइड बाई टू प्लस नाइन बेटा टू टू ज फोर हो गया फाइव एट ज फोर्टी हो गया माइनस टू प्लस नाइन हो गया फोर्टी नाइन माइनस टू इज इक्वल टू वॉट फोर्टी सेवन तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए होगा क्लियर है कोई दिक्कत कोई परेशानी इतने में आपको नहीं हुई होगी ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर पांच की बात करते हैं सेकेंड वाला पेयर पहले वाले से कैसे रिलेट कर रहा है और इनमें से बेटा ऑड पेयर क्या है आपको फाइंड आउट करना है आइए जरा इसको बनाते हैं बेटा छ रिलेट कर रहा है पंद्रह से छः को दो से गुणा करो बारह बारह में तीन जोड़ो बेटा पंद्रह ठीक है पांच को दो से गुणा करो बेटा दस दस में तीन जोड़ो तेरह ठीक है सिमिलरली तीन और नौ बेटा तीन को दो से गुणा करो छ में तीन जोड़ो बेटा नौ ठीक लेकिन टू रेशियो सिक्स को चेक करो टू इंटू टू करो बेटा फोर फोर में थ्री जोड़ो सेवन और ये सात छः के बराबर नहीं है इसका मतलब है जो डिफरेंट होगा वो कौन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा और पैटर्न क्या लगा इंटू टू प्लस थ्री का लगा ठीक है पैटर्न क्या देखने को मिला बेटा इंटू टू प्लस थ्री का मिला चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर छः की तरफ बहुत ध्यान से देखिएगा आसान सवाल पहले ये नॉर्थ देख रहा था फिर ये ईस्ट देख रहा है फिर ये साउथ देख रहा है फिर ये वेस्ट देख रहा है अगेन ये नॉर्थ देखेगा बोलो हाँ की ना जिसकी वजह से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी एलिमिनेट बेटा यहाँ पे ये सीधा देख रहा है इसी कोने पे ये उल्टा देख रहा है ठीक जो यहाँ देख रहा है वो रिपीट हुआ उल्टे से यहाँ ये उल्टा देख रहा है इसी कोने पे ये सीधा देख रहा है बेटा यहाँ पे जो देख रहा है वो रिपीट होगा और इस कोने पे यहाँ ये सीधा ही देखेगा और जब सीधा देखेगा तो ऑप्शन सी भी नहीं बनेगा द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी क्लियर है उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन आपको चेक करना है कि सेम वे में ये देखिए यहाँ लिखा है अलाइक इन अ सेम मैनर एंड वन इज डिफरेंट कोई एक ऐसा है बेटा जो आपका डिफरेंट है आइए बनाते चौदह दो सौ दस चौदह का स्क्वायर करो बेटा वन नाइन्टी सिक्स और चौदह ही जोड़ दो सौ दस आ जाएगा बेटा पच्चीस का स्क्वायर करो छ सौ पच्चीस और पच्चे से जोड़ दो छ सौ पचास आ जाएगा ठीक ग्यारह का स्क्वायर करो वन ट्वेंटी वन और ग्यारह ही जोड़ दो वन थर्टी टू यही डिफरेंट है बेटा उन्नीस वाला उन्नीस का स्क्वायर करो थ्री सिक्सटी वन ठीक है और उन्नीस जोड़ दो बेटा 380 आएगा यहाँ 342 लिखा है इट मीन्स डिफरेंट उन्नीस वाला ही होगा तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बेटा ऑप्शन नंबर डी बनेगा फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपका भी डी आ रहा है कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आठ की तरफ ऑल नैपकिन आर विस्क ठीक है बेटा सारा नैपकिन क्या है विस्क है। कुछ विस्क क्या है बेटा केटल है कोई भी कैटल क्या नहीं है बोल नहीं है ठीक सम नैपकिन आर विस्क क्या कुछ नैपकिन विस्क हैं? जी बिल्कुल हैं। सम केटल आर विस्क क्या कुछ कैटल विस्क हैं? जी हाँ कैटल का कुछ पार्ट विस्क में कॉमन है यह भी सही है तो करेक्ट आंसर क्या होगा बोथ वन एंड टू मतलब दोनों ही फॉलो कर रहे हैं सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ठीक है चले मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नाइन आठ लिखा है अगर मैं इसमें से फोर्टी टू को माइनस कर दूं तो 6 में से दो गया चार और ग्यारह में से चार गया तो सात और यहाँ पे सात सेवन सेवेंटी फोर अगर सेवन सेवेंटी फोर में से मैं फोर्टी को माइनस कर दूँ तो सेवन थर्टी फोर सेवन थर्टी फोर में से अगर मैं अड़तीस को माइनस कर दूँ तो छः नौ और सिक्स छाइनटी सिक्स सिक्स 696 में से मैं 36 को माइनस कर दूं तो 660 इसका मतलब है सिक्स नाइन्टी सिक्स इज द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी किया क्या, गया 42 में से दो घटा 40 40 में से दो घटा 38 38 में से दो घटा तो 36 ठीक है मतलब चाहे बयालीस चालीस अड़तीस छत्तीस किया गया है ठीक है चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर दस इसको यहां लिखते हैं बेटा रिपीटेड सीरीज है आराम से बनाएंगे के डैश एम एन एल ओ डैश के एम डैश के एच और आगे लिखा है एन यू जे डैश ठीक है बहुत ध्यान से देखना बेटा बेहद आसान यहाँ लिखा है के के मतलब ग्यारह एल मतलब बारह एम मतलब तेरह एन मतलब चौदह मतलब प्लस वन प्लस वन प्लस वन ठीक है देखो बेटा ये होता है के ग्यारह ये होता है दस माइनस वन यहाँ पे कितना होगा बारह बारह का मतलब एल और यहाँ पे कितना होगा तेरह माइनस ठीक है थर्ड वाला बता रही हूँ ठीक यहाँ पे हमको चाहिए एल अगला सेकेंड देखते हैं बेटा सेकेंड कैसे निकलेगा ये इक्कीस है ये पंद्रह है अगर मैं यहाँ पे अट्ठारह कर दूं, तो बेटा पंद्रह और तीन अट्ठारह 18 और तीन इक्कीस यानी मुझे यहाँ कितना करना पड़ेगा बारह तभी बारह में तीन जोड़ेंगे तो पंद्रह आएगा मतलब यहाँ पे कितना आएगा बेटा एल आएगा ऑप्शन ध्यान दीजिएगा पहला भी एल है और दूसरा लेटर जो भरा जा रहा है वो भी एल है मतलब डबल एल चाहिए तो डबल एल केवल ऑप्शन नंबर डी में है सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वॉट ऑप्शन नंबर डी फटाफट से बताइए कि आपका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है एक एक का आपको डिफरेंस लेते जाना है और इसको बनाते जाना है ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर ग्यारह लिखा है ए जे के रिलेट कर रहा है बी के एल से आपको पी जे ओ बताना है बेटा ए में वन जोड़ो बी जे में वन जोड़ो के के में वन जोड़ो एल पी से आया क्यू जे से आया के ओ से आया पी ठीक है क्यू के पी इज द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ठीक है चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अच्छा देख लीजिए सेम बताना है कि डिफरेंट लिखा हुआ है बेटा इनमें जो पैटर्न लग रहा है सेम पैटर्न आपको आगे चेक करना है ठीक है चलिए आइए बनाते हैं चौदह पंद्रह वन फोर्टी फाइव बहुत आसान चौदह में पंद्रह को जोड़ो और पाँच से गुड़ा करो ये ट्वेंटी नाइन फाइव फाइव नाइन जॉ फोर्टी फाइव फाइव टू जेन और फोर्टीन ठीक सिमिलरली बारह सत्ताईस एक सौ पंचानवे बारह में बेटा सत्ताईस जोड़ो थर्टी नाइन इंटू फाइव करो वन नाइन्टी फाइव ठीक है अब यही सेम पैटर्न अगर आपको चेक करना है तो आइए चेक कर लेते हैं कि किस पे फॉलो कर रहा है ऑप्शन नंबर बी को उठाइए सत्रह में इकतीस जोड़िए कितना आएगा मल्टीप्लाइड बाई फाइव सात और एक आठ तीन और एक चार फोर्टी एट इंटू फाइव फाइव एट ज फोर्टी और फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ठीक है मिल रहा है इसका मतलब है करेक्ट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा पैटर्न क्या लगा ए में बी को जोड़ दीजिए मल्टीप्लाइड बाई फाइव कर दीजिए आपको सी मिल जाएगा ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन आपकी स्क्रीन पे फटाफट से इसको बनाइए और बताइए क्या रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए दी गई आकृति में आपको त्रिभुज की संख्या निकालनी है बेटा ये कर्व से कंफ्यूज मत होइएगा ये, ये कर्व है और कर्व कभी भी त्रिभुज नहीं देता ठीक है तो त्रिभुज क्या होगा आपको पता है कि जब भी एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर डायगनल इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा ये वन ये टू ये थ्री ये फोर और फोर का दो गुना करो बेटा कितना आठ मिल गया आठ के बाद बेटा ये जो लाइन खींची तो एक और दो यहाँ से मिला यहाँ जो लाइन खींची एक और दो यहाँ से मिला मैम बड़ा वाला नहीं मिलेगा जी नहीं क्योंकि वो बड़ा वाला इस बड़े वाले में काउंट हो गया ठीक है तो आठ और दो दस और दस और दो बारह सो करेक्ट आंसर इज़ वॉट ऑप्शन नंबर डी दैट इज ट्वेल्व कर्व कभी काउंट नहीं होते तो कर्व को काउंट नहीं करेंगे ठीक है चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर फोर्टीन दिया है एच पी आर एम रिलेट कर रहा है ओ डब्ल्यू वाई टी से ठीक है आपको बताना है ई e एल एन जे किससे रिलेट करेगा फटाफट से इसको बनाइए और बताइए क्या रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत आसान तेरह है या बीस है मतलब सात जोड़ो 18 है पच्चीस है सात जोड़ो सोलह है तेईस है सात जोड़ो आठ है पंद्रह है सात जोड़ो ठीक है पांच में सात जोड़ोगे बेटा बारह होता है बारह का मतलब एल होता है बारह में सात जोड़ोगे उन्नीस होता है उन्नीस का मतलब एस होता है एल और एस से केवल एक ही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा क्लियर है कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं हुई होगी ठीक चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आइए इसको बनाते हैं फोर्टी एट में से आठ को घटा दो नहीं फोर्टी टू में से बारह को घटा दो तीस होता है ठीक है कोशिश करते हैं तीस में से दस घटा देते हैं बीस होता है बीस में से आठ घटाते हैं तो बारह होता है बिल्कुल सही है बारह में से छः घटाते हैं छः होता है छः में से चार घटाते हैं दो होता है इसका मतलब है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बीस आएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्यों क्योंकि बारह दस आठ छः और चार मतलब चार दो छः दो आठ आठ दो दस दस दो बारह माइनस टू हो रहा है इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी बीस बनेगा क्लियर है बेटा ये थे आपके ओवरऑल फिफ्टीन क्वेश्चन फटाफट फड़ से बताइए क्या पंद्रह के पंद्रह क्लियर है कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को तो नहीं है ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन मिरर इमेज बतानी है बहुत आसान जो लाइन ऐसे खिंच रही है वो लाइन ऐसे खिंचेगी इसके ऊपर जो ट्रायंगल ऐसे बन रहा है वो इसके ऊपर यहां पे ट्रायंगल बनेगा जब बनेगा तो ऐसा आपको ए में देखने को नहीं मिल रहा सी में नहीं मिल रहा डी में नहीं मिल रहा कहाँ मिल रहा है बेटा केवल और केवल बी में मिल रहा है सो द राइट आंसर इज वॉट ऑप्शन नंबर बी क्लियर है चलिए क्वेश्चन नंबर सत्रह क्रैम्प वर्ड लिखा है और इसका कोड लिखा है टू नाइन सेवन वन फाइव मैक्रो वर्ड लिखा है इसका कोड लिखा है फाइव टू थ्री नाइन सेवन पी का कोड निकालना ध्यान दो सी आर ए एम सी आर ए एम कॉमन है यहां बच गया पी जो कोड बचेगा वही आंसर है टू नाइन सेवन फाइव टू नाइन सेवन फाइव कट गया बचा कौन वन तो P का डायरेक्ट कोड बेटा क्या होगा तो P का डायरेक्ट कोड वन होगा तो राइट आंसर भी क्या बनेगा ऑप्शन नंबर B बनेगा क्लियर है उम्मीद करते हैं यहां तक चीजें सभी को समझ में आ रही होंगी क्वेश्चन नंबर एटीन आइए इसको बनाते हैं सिर्फ नंबर से बन जाएगा दस क्वेश्चन मार्क चालीस अस्सी एक सौ साठ बेटा मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू करिए यहाँ बीस होगा बीस मल्टीप्लाइड बाई दो करिए चालीस होगा नंबर चाहिए बीस और बीस केवल लिखा है ऑप्शन नंबर डी में तो यही सही जवाब होगा ठीक है चलो लेटर पे नहीं जाएंगे क्यों क्योंकि नंबर से ही चीज़ें बन रही हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन आइए बनाते एल स्लैश एम का मतलब है एल इज द ब्रदर ऑफ एम ठीक है एम मल्टीप्लाई डी का मतलब है एम इज सिस्टर ऑफ डी और डी माइनस के का मतलब है डी इज द फादर ऑफ के हाउ एल रिलेटेड टू के एल के से किस प्रकार संबंधित है बेटा के के पिता का भाई ठीक है के के पिता के भाई हैं कौन एल सो द राइट आंसर इज वॉट फादर्स ब्रदर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बेहद आसान सवाल बना दीजिए सोलह जून 2001 को सैटरडे था 21 जून 2009 को क्या रहा होगा 21 में से 16 घटाइए बेटा कितना आएगा पांच आएगा मंथ सेम है कैंसिल 2001 में ऑड डे एक होगा दो में एक होगा तीन में एक होगा 2004 में दो ऑड डे पांच 6 और सात में एक एक ऑड डे मतलब तीन ऑड डे और 2008 में आपको दो ऑड डे मिलेंगे ठीक है लास्ट वाला नहीं लेते एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस बेटा यहाँ दस ये दस ऑट डे ये पाँच ऑट डे कुल मिला के बेटा पंद्रह ऑट डे डिवाइड बाई सात करिए रिमाइंडर कितना होगा वन होगा सैटरडे प्लस वन कर दीजिए दैट इज संडे सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी संडे इज द करेक्ट आंसर ठीक है मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन आइए इसको बनाते हैं चार चार में ब्रेक करना है यहाँ लिखते हैं आर डी डैश डब्लू एस डैश एम एस टी जेड पी डैश यू डैश एस के डैश वी वी जी ठीक है चलिए आइए बनाते हैं बेटा ये लास्ट में तेईस है ये उन्नीस है माइनस चार उन्नीस माइनस चार पंद्रह पंद्रह माइनस चार ग्यारह और ग्यारह माइनस चार सात ठीक है पंद्रह का मतलब होता है ओ मतलब पहला दूसरा तीसरे ब्लैंक में हमको ओ चाहिए बेटा तीसरे ब्लैंक में ओ आपका ऑप्शन नंबर सी में तो नहीं है बाकी सब में है ठीक है अगला देखते हैं बेटा ये तेरह है ये पी 16 है ये उन्नीस है ये बाईस है ठीक है तो यहां पे अगर आप देखो तो क्या हो सकता है नौ सॉरी दस होगा दस में तीन जोड़ा 13, 13 में तीन जोड़ा 16, दस का मतलब बेटा जे ठीक है जे से स्टार्टिंग है और ओ थर्ड लेटर है तो जे ओ से आपका कौन बन रहा है केवल ऑप्शन नंबर ए बन रहा है सो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ठीक चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू देखिए पहला लेटर देखो बेटा जे है फिर आई है फिर एच है फिर जी है क्वेश्चन मार्क यहाँ पे एफ आएगा क्यों ये दस ये नौ ये आठ ये सात तो ये छ और एफ से केवल एक ही बनेगा ऑप्शन नंबर डी सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वॉट ऑप्शन नंबर डी क्लियर है चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर विल रिमेन अनचेंज इफ द लेटर इन द वर्ड हियरिंग इज अरेंज इन एल्फाबेटिकल ऑर्डर बेटा ये एक वर्ड दिया है हियरिंग इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओ पहले ए आएगा फिर ई e आएगा फिर एच आएगा फिर आई आएगा एक मिनट कुछ गड़बड़ हुआ बेटा देखिए पहले ए आएगा फिर ई e आएगा फिर जी आएगा फिर एच आएगा आई आएगा एन आएगा, आएगा और आर आएगा एक पाँच सात आठ नौ चौदह अट्ठारह ठीक है ये अलग है एक तो इसने अपनी जगह नहीं बदली एक ये आई ने अपनी जगह नहीं बदली एक एन ने अपनी जगह नहीं बदली कुल मिला के तीन लेटर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जगह को नहीं बदला सो द राइट आंसर इज़ वॉट ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ थ्री ठीक है आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी कोई दिक्कत कोई समस्या किसी को नहीं होगी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इनमें से डिफरेंट कौन है देखो बेटा दस तेरह चौदह दस और तीन तेरह तेरह और एक चौदह सोलह उन्नीस बीस सोलह और तीन उन्नीस उन्नीस और एक बीस ये तो सेम पैटर्न पे है यहाँ देखिए आठ ग्यारह और बारह आठ में तीन जोड़ा ग्यारह ग्यारह में एक जोड़ा बारह ये भी सेम है यहाँ देखिए तीन सात और एक आठ तीन में चार जोड़ो और सात में एक जोड़ो बाकी सब में प्लस थ्री प्लस वन चल रहा है इसमें प्लस फोर प्लस वन है इसलिए यही आपका डिफरेंट है दैट इज ऑप्शन नंबर बी लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव जे इन टू के तो जे इज द वाइफ ऑफ के

ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्लियर है फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि क्या यहाँ तक क्लियर है कोई दिक्कत तो नहीं तो बेटा ये थे आपके ओवरऑल ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन उम्मीद करते हैं पच्चीस के पच्चीस क्लियर होंगे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई होगी नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए पढ़ते रहिए खुश रहिए बाय टेक केयर थैंक यू सो मच